क्या सुलझ जाएगी चाचा भतीजे की लड़ाई? शरद और अजीत पवार के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा हम नहीं बल्कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद इस बात की अटकलों का बाजार गर्म है कि चाचा भतीजे के बीच हुआ विवाद अब सुलझ गया है। दरअसल हुआ यह है कि एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक और बड़ी मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि पुणे में दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई। क्या चर्चा हुई अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अचानक फिर दोनों चाचा भतीजे का मिलना राजनीतिक गलियारों में अटकलों को जोर दे गया है। सूत्रों के मुताबिक पुणे के बिजनेसमैन अतुल चोडिया के बंगले पर दोनों नेताओं के बीच ये सीक्रेट मीटिंग हुई। असल में अजीत पुणे में ही एक पुल का उद्घाटन करने गए थे, वहीं पर शरद पवार भी किसी दूसरे काम से मौजूद रहे। इसके बाद दोनों ही नेता बिजनेसमैन अतुल के बंगले पर मिले। खबर तो ये भी है कि अजीत के साथ उनके गुट के कुछ दूसरे साथी भी मौजूद रहे, लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग में क्या चर्चा हुई स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके सियासी मायने बड़े माने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच ऐसी मुलाकात हो चुकी है। कई मौकों पर एनसीपी प्रमुख को मनाने की कोशिश देखी गई है, उसी कड़ी में हुई अब ये मुलाकात भी अजीत के एक प्रयास के रूप में देखी जा रही है। लेकिन इन कोशिशों के बीच शरद पवार ने अपने सियासी पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, और वो भतीजे के साथ चले जाएंगे या फिर अपनी पार्टी के लिए एक नई लड़ाई लड़ेंगे ये साफ नहीं हुआ है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एनसीपी में दो फाड़ करना एक बड़ा कदम था, जिस पार्टी को शरद पवार ने अपने खून और पसीने से सींचा था, एक झटके में अजीत ने बड़ा खेल कर दिया। उस खेल की वजह से ही शरद के कई करीबी माने जाने वाले नेता भी अजीत के साथ चले गए और फिर शिंदे सरकार में भी मंत्री भी बना दिए गए। दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से यहाँ भी चुनाव चिन्ह और पार्टी पर अधिकार को लेकर अलग लड़ाई छिड़ी गई है। इसी बीच अजीत का लगातार चाचा शरद पवार को मनाना बता रहा है कि चुनावी मौसम में इंडिया गठबंधन को बड़ा सियासी झटका देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन वहीं इस बैठक को लेकर हर पार्टी के नेता अलग अलग कयास लगा रहे हैं। चर्चा है कि जयंत पाटिल की मध्यस्थता में अजीत पवार एक बार फिर से शरद पवार को बीजेपी में साथ में लाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि एनसीपी नेताओं के खिलाफ जारी ईडी की जांच पर भी चर्चा हुई है। हालांकि तीनों में से एक भी नेता ने अभी इस पर कुछ भी नहीं बोला है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।